अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाने लगे हैं आलू बुखारे की चटनी। जिन चीज़ों की ज़रूरत है आइए आपको दिखाते हैं। पहले हम 300 ग्राम आलू बुखारा ले लेंगे और साथ में 300 ग्राम आपने शुगर लेनी है। एक खाने का चम्मच या आधा खाने का चम्मच आपने नमक इस्तेमाल करना है। आधा खाने का चम्मच आपने काली मिर्च इस्तेमाल करनी है या ब्लैक पेपर। एक बड़ा साइज़ का नींबू, अगर छोटे तो दो ले लेने हैं। 10 ग्राम आपने वो लेना है चारों मगज़, और 20 ग्राम आपने बादाम लेने हैं, और साथ गार्निश के लिए चांदी का वर्क 3 लेने हैं। सबसे पहले हम पानी डालेंगे। ये 3 गुना पानी है, जितने आपके आलू बुखारे होंगे उससे 3 गुना ज़्यादा आपने पानी डालना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और इसके साथ ही आपने आलू बुखारे डाल देने हैं। अब इसके साथ ही नींबू का रस डाल दिया जाएगा। नींबू का रस मैंने इस वजह से डाला है, ये जो आलू बुखारे का साइज़ है, नींबू डालने की वजह से आलू बुखारा इससे बहुत ज़्यादा फूलेगा इंशाल्लाह। अब ये देखें नाजरीन, अब ये देखें थोड़ा सा आहिस्ता आहिस्ता पानी का रंग चेंज होना शुरू हो गया। अब इसको थोड़ी देर तक बॉयल आने तक इंतज़ार करेंगे, इसके बाद इसमें शुगर ऐड की जाएगी। अब इसमें ब्लैक पेपर डाला जाएगा या काली मिर्चें, मैं आपको बताना भूल गया था, आप आधा चम्मच आपने इस्तेमाल करनी है, और साथ में आधा खाने का चम्मच नमक इस्तेमाल किया जाए, शुगर ऐड की जाएगी 300 ग्राम, और इसको हिला के अब इसमें ढकना दे देगा, गैस थोड़ी सी कम कर ली जाएगी 5 मिनट तक। अब ढकना उठा के चेक करते हैं, अभी ये फूलना शुरू हो चुके हैं। अभी थोड़ी देर और ढकना दे के रखते हैं, उसके बाद हम दूसरी चीज़ें ऐड करने। अब इसमें थोड़ी सी इलायची डाली जाएगी, इसमें साथ में ही बादाम डाल दिए जाएंगे, चारों मगज़ भी डाल दिए जाएंगे इसके साथ ही। अभी ये थोड़ी देर में तैयार होने वाली है, और जो चांदी के वर्क है जब हम बोल में निकाल लेंगे सर्व करने के लिए, उसके बाद इसमें चांदी के वर्क डाल दिए जाएंगे। अभी थोड़ी देर में ये तैयार होने वाली है। अब ये थोड़ी देर में तैयार हो जाएगी। ये देखिए आलू बुखारे बहुत बड़े फूल के तैयार हो चुके हैं। आप इसमें सुर्ख मिर्च और फूड कलर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तैयार हो चुकी है, इसे सर्विंग बोल में निकाल लिया जाएगा, चूल्हे को बंद कर दिया जाएगा। बोल में सर्व करने के लिए निकाल लिया जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इसमें हम ना चांदी के वर्क लगाएंगे, ये चांदी का वर्क है, इसके ऊपर लगाएंगे। अब ये चांदी का वर्क लगाएंगे, ये बहुत एहतियात से डालते हैं, ये ना ख़राब हो जाते हैं। ये देखिए मेरे से गिर गया, अब दूसरा भी बहुत एहतियात से लगाएंगे। ये देखिए ठीक है, वो ज़रा थोड़ा सा ख़राब हो गया है। आलू बुखारा निकाल के दिखाते हैं, ये देखिए माशाल्लाह कितने बड़े हुए हैं। थोड़े से इसमें बादाम भी डाल देते हैं। अब ये आपको आलू बुखारे की चटनी बहुत पसंद आएगी। आप मेरा चैनल जवाब फूड सीक्रेट को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, बेल आइकॉन को ज़रूर दबाएं। अल्लाह हाफिज़।